हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल के पराठे, जो कि बच्चों के लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे लिए भी। हमने मूंग की दाल एक रात भिगो के रख दी थी, उसके बाद में हमने इसको पीस लिया है मूंग की दाल को सिलपट्टे पे दरदरा सा। उसके बाद में हम मसाले डालेंगे, हरी मिर्ची, धनिया, नमक और सौंफ और लाल मिर्च। इसके बाद में हमने वो इसमें हींग भी डालेंगे हम, ये। उसके बाद में पीसी हुई जो मूंग की दाल है उसमें हमने हींग और ये सारे मसाले उसमें डाल दिए हमने और मिक्स कर लिया। उसके बाद में हम आटा डालेंगे इसमें, आटा हम उसमें पानी डाल के थोड़ा और गूंथ लेंगे बढ़िया। और उसके बाद में हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के, ये 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, हमने बनाए पराठे, तो ये देखो हम आप टेस्ट अकॉर्डिंग जो भी घी ऑयल कुछ भी जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो आप। ये देखो, और इसको अच्छे से सेक के, ये देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है गाइस, देखो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं कैसी वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। ये देखो, तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है पराठा। आप इस पराठे को सॉस, दही या लौंजी किसी के साथ भी आप खा सकते हो, चाय के साथ भी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कंप्लीट, ये रेडी हो गया हमारा, ये जा रहा हमारा चाय के साथ खाने के लिए।